छियानवे कोषागार से हुई अवैध निकासी पर फैसला आने में देरी हो सकती है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में एक रिवाइज पिटीशन दायर की गई है, जिसमें तत्कालीन महालेखागार को आरोपी बनाने की मांग की गई है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई का जवाब आने पर के बाद ही इस पर सुनवाई होगी, तब तक के लिए फैसला टाल दिया जाएगा। तो चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में फैसला आज चल सकता है। फैसले के पहले लालू प्रसाद यादव ने याचिका दायर की है, जिसमें एडवोकेट जनरल को बनाया गया है आरोपी, और इस याचिका में कहा गया है कि ऑडिट के आधार पर ही बजट चेक किया जाता रहा है, इसका ही जवाब सीबीआई कोर्ट में देगी। कोर्ट अब पहले इस याचिका को सुनेगा और इसी की वजह से हो सकता है कि आज लालू प्रसाद यादव पर जो फैसला आना है वो टल जाए। चारा घोटाले का यह मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है। लालू यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 1995 और 96 के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोषागार से 3,13,00,000 की अवैध निकासी की थी, और इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव समेत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और अन्य लोग आरोपी बनाए गए। हम लोगों ने पिटीशन दिया था कि तत्कालीन एजी जो उस वक्त है, जिनके द्वारा सीएजी रिपोर्ट सबमिट किया गया है, उनको भी 319 के तहत समन इशू किया जाए। तो उस पर सीबीआई को रिज्वाइंडर डालने के लिए आदेश किया गया था, और हम लोगों के द्वारा एक टाइपिंग मिस्टेक था जिसको सुधारने का हम लोगों को आदेश हुआ। तो हम लोगों ने अपना टाइपिंग मिस्टेक को आज विद परमिशन ऑफ कोर्ट सुधार लिया है, और सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई रिज्वाइंडर नहीं आया है। न्यायालय का कहना है कि 2 बजे तक इंतजार करते हैं, देखते हैं, हो सकता है सीबीआई की तरफ से रिज्वाइंडर आए, उसके बाद इस पर जो भी आदेश होगा किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा एक और आवेदन आज दिया गया है कि हम लोग का जो पिटीशन है, जो कि 14 तारीख को हम लोगों ने फाइल किया, उस पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। तो जब तक उस पर ऑर्डर नहीं हो तब तक जजमेंट को एडजर्न किया जाए, क्योंकि उस पर ऑर्डर हो जाए उसके बाद ही जजमेंट किया जाए। इससे भी 2 बजे सुनवाई के लिए जज साहब ने रखा। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला क्या कुछ है। 1995-96 के बीच दुमका कोषागार से करीब 3,70,00,000 की अवैध निकासी हुई थी। लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 31 लोग इस पूरे मामले में आरोपी हैं। मामले में सुनवाई 5 मार्च को खत्म हो गई थी, जिसके बाद फैसले के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो ये दुमका RC 38A और 96 कोषागार से संबंधित ये मामला है, जिसमें 5 तारीख को ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी। चारा घोटाले में दुमका मामले को लेकर लालू यादव पर चौथा फैसला ये आना है। 3 अन्य मामलों में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। तीनों मामलों को 6 महीने के अंदर तीनों मामलों में सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 झारखंड में है, जबकि 1 मामला बिहार में दर्ज है। तो मुश्किल में कहीं ना कहीं लालू फंसते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 1995-96 के बीच दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ ये मामला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से विजय गोप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? कब तक फैसला आ सकता है लालू प्रसाद यादव के पर? देखिए, चारा घोटाला मामले दुमका 38 मामले में आज फैसले का दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज दुमका मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि लालू प्रसाद की तरफ से एडी और डिप्टी खिलाफ याचिका दायर किया गया है, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि जो भी निकासी हो रही थी दुमका मामले में उस समय, तो जितनी भी निकासी होती है उस समय महालेखाकार की मुख्य भूमिका होती है, उस समय जब निकासी हो रही थी तो निकासी में क्लीन चिट दिया गया था। तो लालू प्रसाद की तरफ से, उनके अधिवक्ताओं की तरफ से कल ही एक पिटीशन बन गया था, लेकिन लालू प्रसाद के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण पिटीशन दायर नहीं किया गया था। तो आज ये पिटीशन दायर किया गया है, और पिटीशन का सुनवाई 2 बजे होनी है। तो उस पिटीशन का सुनवाई होने के बाद जब 2 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद ही जो दुमका मामला है जिसमें लालू प्रसाद की आज फैसला आना है, उस मामले में फैसला आ सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से कोर्ट में संशय बरकरार है कि उस मामले में आज फैसला आता है या नहीं आता है। लेकिन जो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह है, उनके विवेक पर यह निर्भर करता है, उनके कार्यशैली पर निर्भर करता है कि वो आज फैसले देते हैं या नहीं देते हैं। तो इस मामले में लालू प्रसाद सहित कुल 31 आरोपी थे बनाया गया है, जिनका किस्मत का फैसला आज होना था, लेकिन एक
तरह से कह सकते हैं कि पूरे मामले में आज पूरी तरह से संशय बरकरार है कि इस मामले में आज फैसला आता है कि नहीं। ये पूरी मामला 3 करोड़ लगभग 76 लाख रुपए का निकासी का मामला था, एजी के देख रेख में ये पूरी मामला पूरा निकासी हो रहा था। तो इसको ये एक आधार बना के लालू प्रसाद के अधिवक्ता द्वारा एक पिटीशन दायर किया गया है, जिसके बाद इस मामले में जो एजी के जो फैसला आना है, जो महालेखाकार थे उस समय उसके फैसले के बाद ही दुमका मामला आपकी 38 में फैसला आ सकता है। और सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव साथ शरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे और पूरे मामले का बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को भी आरोपी बनाया गया है, तो क्या इसकी वजह से फैसले पर कोई फर्क पड़ सकता है? विजय आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा संवाददाता से, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि एक पिटीशन दायर की गई है लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में, और इस पिटीशन में तत्कालीन महालेखागार को आरोपी बनाने की बात की गई है, और इसी की पहले सबसे पहले इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुनाया जाएगा। तो सुनवाई के बाद ही फैसला आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। फैसले से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक याचिका दायर की है, जिसमें एडवोकेट जनरल एजी को बनाया गया है आरोपी, और इस याचिका में कहा गया है कि ऑडिट के आधार पर ही बजट चेक किया जाता रहा है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता विजय गोप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस पूरे मामले में अब जैसे कि बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार समेत 9 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, तो क्या इस वजह से फैसले पर कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, फैसले का जो आज दिन मुकर्रर किया गया था कि आज दुमका मामले आरसी 38 में जो फैसला आना था, तो जिस तरह से इस मामले में नया नया मोड़ देखने को मिल रहा है, सबसे पहले अंजनी कुमार सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, फिर आरसी 45 के तहत अंजनी कुमार सहित मुख्य सचिव अंजनी कुमार सहित 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो एक आज जो फैसले का दिन मुकर्रर था, आज दुमका मामले में फैसला आना था लालू प्रसाद यादव के सहित 31 लोगों पे, तो आज जिस तरह से याचिका दायर किया गया है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नया मोड़ ले चुका है। तो लालू प्रसाद यादव की के तरफ से, अधिवक्ता के तरफ से एक याचिका दायर किया गया कि जिस समय वो एजी थे महालेखाकार, तो उसी समय जब तेजी से निकासी हो रही थी और पूरे निकासी महालेखाकार के देख रेख में होती है, तो उस समय क्लीन चेक दिया जा रहा था उन्हीं के बिना पर एजी के बिना पर ये पूरी मामला जो चल रही थी, लालू प्रसाद यादव ट्रायल फेस कर रहे थे। तो पूरे मामले को ये आधार बना के ये पिटीशन दायर किया गया कि इस मामले में वो लालू प्रसाद यादव को दोषी बनाया गया था, या और जो मामले थे निकासी हो रही थी उनका आज फैसला आना था, तो उनकी जब देख रेख में थे, तो उस मामले पे क्यों ना एजी को भी आरोपी बनाया जाए। उसी मामले में एजी सहित 2 लोगों को और आरोपी आज बनाया गया, पिटीशन दायर किया गया है। तो पूरे मामला जो आज, हालांकि अभी तक फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन पिछले 3 जो मामले हमने देखे हैं, उन तीनों ही मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, तो ये जो चौथा मामला है इसमें किस तरीके का फैसला आने की उम्मीद हम जता सकते हैं? कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से संशय बरकरार है। अंजलि जी, विजय बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू यादव ने रिवाइज एक पिटीशन दायर की है, फिलहाल उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद से फिर लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि ज्यादा उम्मीद यही है कि आज शायद उनका फैसला जो है वो टल सकता है, और जो भी तारीख कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की जाएगी अगली, उस पर ही सुनवाई होगी।